हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेंद्रा गुरु द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ चुके होंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, यू फेसबुक जुड़ चुके होंगे हमारा पेज लाइक करके, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर रहे होंगे। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अब तक ऐसा इनमें से कुछ भी आपने नहीं किया हो तो कर दीजिए। डेफिनेटली हमारा ये जो वीडियो है इसको लाइक करिए, और हमारे पिछले वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत धन्यवाद भी। अब आइए चलते हैं हम आज के स्पेशल सेशन की ओर, जिसका नाम है विजुअल वोकैबुलरी फॉर स्पीच फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स ईद स्पेशल। वैसे एक बार फिर से आप सभी को ईद मुबारक, और हालांकि अभी ईद की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत ही जरूरी है कि आप आराम फरमाएं, लेकिन ज्यादा आराम भी नहीं फरमाना क्योंकि एग्जाम सर पर है, इसीलिए बिल्कुल पढ़ाई भी करते रहिए। तो आइए चलते देखते हैं हमारा जो प्रीवियस वोकैब चैलेंज था वो क्या था। देखिए, ये था हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज ऑफ द डे। शब्द था इंडिया, जो कि एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है मेक डियर या फिर प्रिय बनाना था। हमने आपसे ये कहा था कि यहां पर जो मिसिंग पर्यायवाची और जो मिसिंग विलोम शब्द है ये क्या थे। अब देखिए जो सही उत्तर है और साथ ही में जो वोकैब चैंपियंस है वो ये रहे आपके सामने। जो मिसिंग सिनोनिम था या प्रायवाची था वो था कैप्टिवेट, जो मिसिंग एंटोनिम या विलोम था वो था डिस्कनेक्ट, और ये रहे हमारे वोकैब चैंपियंस। बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप बधाई मिस्टर विमल कुमार को, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई मिस्टर कुमार शशांक को, और एक बार फिर से बहुत बधाई मिस्टर रुपेश कुमार को। तो हम सब की ओर से, हम सभी महेंद्र गुरु की टीम की ओर से इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं हमारे आज के पहले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा हमारा पहला शब्द, ये है इग्नोमिनस। इग्नोमिनस एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है ह्यूमिलिएटिंग या फिर शर्मिंदा करने वाला। तो जो इग्नोमिनस है, देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, शर्मिंदा करने वाला। तो सिनोनिम्स आर एम्बैरेसिंग और डिसग्रेसफुल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है एम्बैरेसिंग या फिर डिसग्रेसफुल। द एंटोनिम्स आर रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल, यानी कि जो उसके विलोम शब्द है वो है रिस्पेक्टेबल या फिर ऑनरेबल। और देखिए आपको यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता दिख रहा होगा जो कि टॉप ऑफ द सिचुएशन नहीं हो पा रहा है खैर यहाँ पर, और देखिए उसके संदर्भ में यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एक्सट्रीमली ब्लैंक स्पेस फॉर द डॉग टू फेल रिपीटेडली। हम कहना ये चाह रहे हैं बार बार फेल होना इस प्यारे से कुत्ते के लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। खैर हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉप तक पहुंच जाए। अब देखिए बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए, इग्नोमिनस, तो बाकी क्या हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली इग्नोमिनस फॉर द डॉग टू फेल रिपीटेडली। लेट्स हैव लुक एट नेक्स्ट वर्ड। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इलस्ट्रियस। जो इलस्ट्रियस है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है फेमस या फिर मशहूर। तो जो इलस्ट्रियस है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, मशहूर। तो सिनोनिम्स आर एस्टीम्ड और एमिनेंट, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है एस्टीम्ड या फिर एमिनेंट। एंटोनिम्स आर इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो इनसिग्निफिकेंट या फिर अनइम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर आपको एक बहुत ही मशहूर सुपरस्टार किस्म के डॉगी भाई साहब दिख रहे होंगे, और देखिए इन डॉगी भाई साहब के संदर्भ में यहां पर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस सर्फर इज वेल नोन, यानी कि जो ये डॉगी भाई साहब हैं ये बहुत ही मशहूर किस्म के सर्फर हैं और ये जाने पहचाने हैं वैसे। तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए, इलस्ट्रियस, तो बाकी क्या हो जाएगा, द इलस्ट्रियस सर्फर इज वेल नोन। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा आपके लिए अगला शब्द, ये है इम्पर्ट्यून। जो इम्पर्ट्यून है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है इंसिस्ट या फिर जोर देना। तो जो इम्पर्ट्यून है देखिए ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, जोर देना। द सिनोनिम्स आर डिमांड और बिसीच, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है डिमांड या फिर बिसीच। द एंटोनिम्स आर डिसवेड और प्रिवेंट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है डिसवेड या फिर प्रिवेंट। और यहाँ पर आपको एक इंसान दिख रहा होगा जो कि अपने बाल खींच रहा है और न जाने अच्छा घूसा भी दिखा रहा है, दांत भी निकाल रहा है, खैर पता नहीं क्या कर रहा है। और देखिए इसके संदर्भ में यहाँ पे लिखा हुआ है ही ब्लैंक स्पेस ऑन कंप्लीटिंग द टास्क क्विकली, शायद देखिए लग रहा है कि इसने किसी को टास्क दिए हैं और ये जोर दे रहा है इस बात पर कि टास्क जल्दी से पूरे हो जाए। देखिए तभी इसने शायद घड़ी भी देखी थी। तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन था ना चाहिए, इम्पर्ट्यून, तो बाकी क्या हो जाएगा, ही इम्पर्ट्यून्स कह सकते हैं, यानी कि इसकी आदत ये, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ही इम्पर्ट्यून्ड ऑन कंप्लीटिंग द टास्क क्विकली। लेट्स हैव लुक एट द नेक्स्ट वर्ड। अब देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इम्प्यूडेंट। जो इम्प्यूडेंट है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है शेमलेस या फिर निर्लज। तो जो इम्प्यूडेंट है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, निर्लज। द सिनोनिम्स आर ब्रेजन,
और ऑडेशियस यानी कि जिसके प्रायवासी हैं देखिए वो है ब्रेजन या फिर ऑडेशियस. द एंटोनिम्स आर हम्बल और पोलाइट यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है हम्बल या फिर पोलाइट ये कह सकते हैं आप कल्चर्ड भी. अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही अजीब किस्म का इंसान दिख रहा होगा. क्या हेयर स्टाइल है देखिए यार देखिए और इनके संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस सिंगर हैड अ वियर्ड सेंस ऑफ ड्रेसिंग यानी कि जो ये नीलज किस्म का ये जो गायक है इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अजीबो गरीब है. अब बताइए यहाँ ब्लैंक स्पेस शब्द कौन सा आना चाहिए इम्प्यूडेंट तो बाकी क्या हो जाएगा द इम्प्यूडेंट सिंगर हैड अ वियर्ड सेंस ऑफ ड्रेसिंग. अब ठीक है भाई साहब बहुत हो गया प्लीज अब जाओ. अब देखिए अगला शब्द देखिए जो अगला शब्द है वो ये रहा ये है इनकमोडियस. जो इनकमोडियस है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है इसका अर्थ है इनकन्वीनियंट और असुविधाजनक. तो जो इनकमोडियस है देखिए ये एक विशेषण है इसका अर्थ क्या है असुविधाजनक. तो सिनोनिम्स आर अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है अनकंफर्टेबल या फिर ऑकवर्ड. द एंटोनिम्स आर कन्वीनियंट और हैंडी यानी कि जो उसके विलोम शब्द हैं वो है कन्वीनियंट या फिर हैंडी आप कह सकते हैं आसान. अब देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता दिख रहा होगा और इन पपी भाई साहब के संदर्भ में लिखा हुआ है इट इज एक्सट्रीमली ब्लैंक स्पेस फॉर द पपी टू जंप यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो पपी भाई साहब हैं इनके लिए बहुत ही असुविधाजनक है कूदना. अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए इनकमोडियस तो वाक्य क्या हो जाएगा इट इज एक्सट्रीमली इनकमोडियस फॉर द पपी टू जंप. अब देखिए इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा फैट वाला खाना नहीं खाना चाहिए वरना यही होता है. आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर. देखिए ये रहा अगला शब्द ये है जनता. तो जनता ये देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है इसका अर्थ है काउंसिल हिंदी में कहे तो परिषद. तो जो जनता है देखिए यहाँ पर ये हिंदी वाली जनता नहीं है वैसे और यहाँ जो जनता है देखिए ये एक संज्ञा है इसका अर्थ क्या है परिषद. तो सिनोनिम्स आर फैक्शन और कबाइल यानी कि जो इसके प्रायवाची है देखिए वो है फैक्शन या फिर कबाइल. द एंटोनिम्स आर सिंगल और इंडिविजुअल यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है सिंगल या फिर इंडिविजुअल. अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी इस इमेज के संदर्भ में यहाँ पर लिखा है द इंटायर ब्लैंक स्पेस ऑफ सोल्जर्स हैड टू डू द एक्सरसाइज यानी कि ये जो एक्सरसाइज ये भाई साहब कर रहे हैं वैसे यही एक्सरसाइज सभी सैनिकों की यानी कि पूरे सैनिकों के परिषद को करनी पड़ी. तो अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए जनता तो वाक्य क्या हो जाएगा द इंटायर जनता ऑफ सोल्जर्स हैड टू डू द एक्सरसाइज. अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए ये रहा अगला शब्द ये है जुवेनाइल. तो जुवेनाइल है देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है इसका अर्थ है चाइल्डिश या फिर बच्चों से संबंधित. तो जो जुवेनाइल है देखिए ये एक विशेषण है इसका अर्थ क्या है बच्चों से संबंधित. द सिनोनिम्स आर एडोलेसेंट और यंग यानी कि जो इसके प्रायवाची है देखिए वो है एडोलेसेंट या फिर यंग. द एंटोनिम्स आर मच्योर और एक्सपीरियंस यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है मच्योर या फिर एक्सपीरियंस. अब यहाँ पर आपको एक बच्ची दिख रही होगी वैसे लेकिन ये बच्ची बहुत ही प्यारी तो कह सकते हैं आप लेकिन चालाक भी बहुत है और इसीलिए हमने यहाँ वाक्य लिखा है शी वॉज सेंट टू ब्लैंक स्पेस कस्टडी एज शी वॉजंट ओल्ड इनफ टू बी सेंट टू जेल. इन बच्ची को बच्चों से संबंधित जो कस्टडी है उनको भेजा गया क्योंकि इनकी इतनी उम्र नहीं थी कि इनको जेल भेजा जाए. और ऐसा क्यों किया गया देखिए ये तो समझने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी. अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए जुवेनाइल तो वाकई क्या हो जाएगा शी वॉज सेंट टू जुवेनाइल कस्टडी एज शी वॉजंट ओल्ड इनफ टू बी सेंट टू जेल. अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए ये रहा अगला शब्द ये है जिया. जो जिया है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है इसका अर्थ है रिडिक्यूल या फिर चिढ़ाना. तो जो जियर है देखिए ये एक क्रिया है इसका अर्थ क्या है चिढ़ाना. तो सिनोनिम्स आर टॉन्ट और हूट यानी कि जो इसके प्रायवाची है देखिए वो है टॉन्ट या फिर हूट. द एंटोनिम्स आर कॉम्प्लीमेंट और लॉर्ड यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है कॉम्प्लीमेंट या फिर लॉर्ड. अब इन प्यारे से भाई साहब वाले जो यहाँ पर इमेज है इनके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द किड ब्लैंक स्पेस हिज पेरेंट्स यानी कि ये जो प्यारा सा बच्चा आपको दिख रहा है ये चिढ़ा रहा था अपने पेरेंट्स को. वैसे आपने भी चिढ़ाया होगा शायद अपने पेरेंट्स को या फिर हो सकता है उसके लिए आपको लगी भी हो है ना चिढ़ाने के लिए. खैर अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए जियर तो वाकई क्या हो जाएगा द किड जियर्ड एट हिज पेरेंट्स कह सकते हैं आप द किड जियर्ड हिज पेरेंट्स रादर. अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए ये रहा अगला शब्द ये है जेरिसन. जेरिसन देखिए ये है एक वर्ब या फिर एक क्रिया है इसका अर्थ है थ्रो ओवर बोर्ड या फिर ठुकरा देना. तो जो जेरिसन है देखिए ये एक क्रिया है इसका अर्थ क्या है ठुकरा देना या कह सकते हैं आप हटा देना इस तरह से. तो सिनोनिम्स आर डंप और डिस्कार्ड यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है डंप या फिर डिस्कार्ड. द एंटोनिम्स आर होल्ड और कीप
यानी कि जो इसके देखिए विलोम शब्द है वो है होल्ड या फिर कीप। अब यहाँ पर आपको एक प्यारा सा और एक उदास बच्चा दिख रहा होगा फिलहाल, तो इसके संदर्भ में आपने लिखा है द किड हैड बीन ब्लैंक स्पेस विद द स्कूल सॉकर टीम। और जो ये जो बच्चा दिख रहा है आपको, इसको शायद स्कूल की सॉकर टीम से हटा दिया गया है और इसीलिए शायद ये इतना उदास है। तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा ना चाहिए, जेटिसंड। तो बाकी क्या हो जाएगा, द किड हैड बीन जेटिसंड बाय द स्कूल सॉकर टीम। अब हम चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है जेरिड। तो जेरिड है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, एग्जॉस्टेड या फिर थका हुआ। तो जो जेरिड है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, थका हुआ। सिनोनिम्स आर बोर्ड और टायर्ड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है बोर्ड या फिर टायर्ड। द एंटोनिम्स आर लाइवली और एनर्जाइज्ड, यानी कि जो इसके विलोम शब्द देखिए वो है लाइवली या फिर एनर्जाइज्ड। अब यहाँ पर आपको एक थके हुए से बच्चे की इमेज दिख रही होगी जो कि वेट भी नहीं किया बिल्ली मौसी की वहाँ से हटने के। अच्छा अब देखिए, और इसके संदर्भ में हमने लिखा है द ब्लैंक स्पेस किड सैट डाउन फॉर रेस्टिंग, यानी कि ये जो थका हुआ बच्चा था ये बस बैठ गया आराम फरमाने के लिए। अब देखिए अब बिल्ली मौसी को कूदना पड़ गया। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है किबल। जो किबल है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है क्रश या फिर चूर चूर हो जाना। तो जो किबल है देखिए ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, चूर चूर हो जाना। इसके जो सिनोनिम्स है वो है पल्वराइज या फिर क्रम्बल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है पल्वराइज या फिर क्रम्बल। द एंटोनिम्स आर बिल्ड और यूनाइट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है बिल्ड या फिर यूनाइट। अब यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी वैसे, हालांकि ये बड़ी ही भयावह इमेज है, और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है द हेवनली बॉडीज ब्लैंक स्पेस इनटू पीसेस, यानी कि देखिए जो ब्रह्मांड की जो ये बॉडीज हैं ये चूर चूर हो गई और इनके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए, किबल। तो वाकई क्या हो जाएगा, द हेवनली बॉडीज किबल्ड इनटू पीसेस। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है किंग्ड। जो किंग्ड है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है कॉम्प्लिकेटेड या फिर अजीब। जो किंग्ड है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, अजीब। तो सिनोनिम्स आर इम्परफेक्ट और फ्लॉड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है इम्परफेक्ट या फिर फ्लॉड। द एंटोनिम्स आर परफेक्ट और नॉर्मल, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है परफेक्ट या फिर नॉर्मल। अब यहाँ पर आपको एक भाई साहब दिख रहे होंगे, शायद ये पीटी कर रहे हैं कि डांस कर रहे हैं, खैर अब देखिए इनके संदर्भ में लिखा हुआ है हिज ब्लैंक स्पेस स्टाइल ऑफ डांसिंग कन्फ्यूज्ड एवरीवन। ओ यानी कि ये डांस ही कर रहे थे, खैर शायद पीटी डांस कर रहे होंगे। अब बताइए यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं इन भाई साहब को जो अजीबो गरीब किस्म का डांस का स्टाइल था इससे हर कोई कंफ्यूज हो गया। इनफैक्ट देखिए हम और आप भी कंफ्यूज हो गए। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा ना चाहिए, किंग। तो वाकई क्या हो जाएगा, हिज किंग स्टाइल ऑफ डांसिंग कंफ्यूज एवरीवन। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है करफेफल। जो करफेफल है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है फस या फिर शोर शराबा। तो जो करफफल है देखिए ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, शोर शराबा। तो सिनोनिम्स आर कमोशन और डिस्ट्रप्शन, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है कमोशन या फिर डिस्ट्रप्शन। वैसे अगर आप चाहते हैं जीता जागता उदाहरण देखना कमोशन और डिस्ट्रप्शन का, तो तुरंत लोकसभा टीवी ऑन करिए जब भी सत्र चल रहा हो। अब देखिए जो इसके एंटोनिम्स या विलोम शब्द हैं वो है ऑर्डर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कोई चीज़ किस तरह से ऑर्गेनाइज करी गई है। तो जो इसके विलोम शब्द देखिए वो है ऑर्डर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है द सिटी इज वेल नोन फॉर इट्स ब्लैंक स्पेस, यानी कि जो शहर है आपको दिख रहा है इट इज वेल नोन फॉर इट्स ब्लैंक स्पेस। अब बताइए कहना हम ये चाह रहे हैं ये जो शहर है ये अपने शोर शराबे के लिए जाना जाता है। तो वाकई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ब्लैंक स्पेस में, करफेफल। तो वाकई क्या हो जाएगा, द सिटी इज वेल नोन फॉर इट्स करफेफल। लेट्स हैव लुक एट द नेक्स्ट वर्ड। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है किन। जो किन है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है रिलेटिव्स, हिंदी में कहें तो रिश्तेदार। तो जो किन है देखिए ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, रिश्तेदार या फिर कह सकते हैं आप फैमिली। और वही लिखा भी आया सिनोनिम्स में, सिनोनिम्स आर फैमिली और फोक्स, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है फैमिली या फिर फोक्स। एंटोनिम्स आर स्ट्रेंजर और एलियन, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है स्ट्रेंजर या फिर एलियन। और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा भाई साहब, ये देखो एमजे का रिश्तेदार लग रहा है ये, है ना। अब देखिए और इसके संदर्भ में हमने आप लिखा है he was extremely happy to see his blank space। ओ अच्छा, यानी कि इसीलिए शायद ये डांस कर रहा है माइकल जैक्सन वाला, क्योंकि ये बहुत ही खुश थे अपने परिवार जनों को देखने पर। तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आ जाएगा,
kin. तो बाकी क्या हो जाएगा? He was extremely happy to see his kin. अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है kin. जो kin है, देखिए, ये एक noun या फिर एक संज्ञा है. इसका अर्थ है knowledge या फिर ज्ञान. तो जो kin है, देखिए, ये एक संज्ञा है. इसका अर्थ क्या है? ज्ञान. तो synonyms are awareness और comprehension. यानी कि जो इसके अब ये comprehension personal नहीं है, समझदारी वाला कॉम्प्रिहेंशन है. जो प्रायवाची है, देखिए, वो है अवेयरनेस या फिर कॉम्प्रिहेंशन. एंटोनिम्स आर अनअवेयरनेस और मिसइंटरप्रिटेशन. यानी कि जो उसके विलोम शब्द है, देखिए, वो है अनअवेयरनेस या फिर मिसइंटरप्रिटेशन, यानी कि गलत समझाना. अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ ब्लैंक स्पेस. यानी कि गौर से देखिए इस इमेज को. ये वही है जिसमें आपको किताबें दिख रही होगी और किताबें ज्ञान का सबसे बढ़िया सोर्स है. वही हमने यहाँ पर लिखा भी है. अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? कैन. तो बाकी क्या हो जाएगा? बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कैन. अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है लेडन. जो लेडन है, देखिए, ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है. इसका अर्थ है लोडेड या फिर हिंदी में कहे तो लदा हुआ. तो जो लेडन है, देखिए, ये एक क्रिया है. इसका अर्थ क्या है? लदा हुआ. द सिनोनिम्स आर बर्डनड और वेटेड. यानी कि जो इसके पर्यायवाची है, देखिए, वो है बर्डन या फिर वेटेड. द एंटोनिम्स आर अनलोडेड या फिर फ्री. यानी कि जो इसके कह सकते हैं आप विलोम शब्द है, वो है अनलोडेड या फिर फ्री. यहाँ पर आपको एक प्यारी सी इमेज दिख रही होगी. वैसे इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है द बुक्स आर ब्लैंक स्पेस विद अ लॉट ऑफ विजडम. यानी कि जो किताबें होती हैं वो बहुत सारे ज्ञान के साथ लदी होती हैं. अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? लेडन. तो बाकी क्या हो जाएगा? द बुक्स आर लेडन विद अ लॉट ऑफ विजडम. अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है लैम्पून. जो लैम्पून है, देखिए, ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है. इसका अर्थ है पैरडी या फिर विद्रूपिका. तो जो लैम्पून है, देखिए, ये एक संज्ञा है. इसका अर्थ क्या है हिंदी में? विद्रूपिका. इस अर्थ को देखने के बाद मेरे ख्याल से कई लोग ये कहेंगे, सर, इंग्लिश ज्यादा इजी है वैसे हिंदी से, और खैर है भी. अब बताइए जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है सटाया या फिर मॉकरी. यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं, देखिए, वो है सटाया या फिर मॉकरी. द एंटोनिम्स आर फ्लैटरी और प्रेज. यानी कि जो इसके विलोम शब्द है, देखिए, वो है फ्लैटरी या फिर प्रेज. और यहाँ पर देखिए आपको एक बच्चा दिख रहा होगा जो कि बहुत ही मस्त है और मग्न है डांस करने में. और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है ही इज प्रेजेंटिंग अ ब्लैंक स्पेस ऑफ अ फेमस डांस स्टेप. यानी कि ये जो आपको बच्चा दिख रहा है नाचता हुआ, ये एक बहुत ही मशहूर डांस के स्टेप की विद्रूपिका प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं इंग्लिश इजी? अच्छा, अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? लैम्पून. तो बाकी क्या हो जाएगा? ही इज प्रेजेंटिंग अ लैम्पून ऑफ अ फेमस डांस स्टेप. अब हम चलते हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है लेजिबल. जो लेजिबल है, देखिए, ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है. इसका अर्थ है इजी टू रीड या फिर सुपाठ्य. तो जो लेजिबल है, देखिए, ये एक विशेषण है. इसका अर्थ क्या है? सुपाठ्य. तो सिनोनिम्स आर कोहेरेंट और रीडेबल. यानी कि जो इसके पर्यायवाची है, देखिए, वो है कोहेरेंट या फिर रीडेबल. द एंटोनिम्स आर ऑब्स्क्योर और इनकॉम्प्रिहेंसिबल. यानी कि जो उसके विलोम शब्द है, देखिए, वो है ऑब्स्क्योर या फिर इनकॉम्प्रिहेंसिबल. अब यहाँ पर आपको एक मैडम जी दिख रही होंगी वैसे, और इन मैडम जी के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है शी लव्स टू रीड ब्लैंक स्पेस कंटेंट. यानी कि ये जो मैडम जी हैं, इनको सुपाठ्य कंटेंट को पढ़ना बहुत ही आनंददायक लगता है, आनंदमय लगता है. तो अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? लेजिबल. तो वाक्य क्या हो जाएगा? शी लव्स टू रीड लेजिबल कंटेंट. अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है लीजन. जो लीजन है, देखिए, ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है. इसका अर्थ है मास या फिर बहुत बड़ा समूह. जो लीजन है, देखिए, ये एक संज्ञा है. इसका अर्थ क्या है? बहुत बड़ा समूह. द सिनोनिम्स आर थ्रोंग और फ्लॉक. यानी कि जो इसके पर्यायवाची है, देखिए, वो है थ्रोंग या फिर फ्लॉक. द एंटोनिम्स आर वन और इंडिविजुअल. यानी कि जो विलोम शब्द, देखिए, वो है वन या फिर इंडिविजुअल. और यहाँ पर वैसे आपको इमेज दिख रही होगी एक बहुत बड़े समूह की, हालांकि बीच में एक्टर जो है वो तो काफी फेमस है, और बाकी का जबरदस्ती का समूह भी दिख रहा होगा. और इनके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है द गैंगस्टर्स वर डांसिंग इन अ ब्लैंक स्पेस. यानी कि जो गैंगस्टर्स हैं यहाँ पर, वो डांस कर रहे हैं समूह बनाकर. तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? लीजन. तो बाकी क्या हो जाएगा? द गैंगस्टर्स वर डांसिंग इन अ लीजन. तो अगर आप यानी कि स्मोक करते हैं, और अगर आप ड्रिंक करते हैं, और अगर गलत कामों वाली बेवकूफ़ी करते हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं, गैंगस्टर बनेंगे. अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर.
देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है लेजर। जो लेजर है देखिए वो एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है फ्री टाइम या फिर फुर्सत। तो जो लेजर है देखिए ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? फुर्सत। द सिनोनिम्स आर कन्वीनियंस और रिलैक्सेशन, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है कन्वीनियंस या फिर रिलैक्सेशन। जिसके एंटोनिम्स है देखिए वो है लाइवली या फिर एनर्जाइज, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है लाइवली या फिर एनर्जाइज। यहाँ पर आपके लिए एक हमने इमेज दे रखी है, वैसे ये एक मिनियन की इमेज है और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है, उससे पहले वीडियो लाइक किया कि नहीं कमान भाई कर दो। अच्छा अब देखिए यहाँ पर लिखा ये हुआ है ही लव्स टू एंजॉय इन हिज ब्लैंक स्पेस, यानी कि ये जो मिनियन है ना इसको एंजॉय करना बहुत ही पसंद है फुर्सत में। तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? लेजर। तो बाकी क्या हो जाएगा? ही लव्स टू एंजॉय इन हिज लेजर। अब चलते हैं हमारे आज के वो क्या चैलेंज की ओर। अब देखिए ये रहा हमारा आज का वो क्या चैलेंज, जो शब्द था वो था हॉवल। हॉवल एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है टाइनी अनकेम्प्ट हाउस या फिर झोपड़ी। इसके जो दिया हुआ पर्यायवाची है वो है कॉटेज, जो दिया हुआ विलोम है वो है मैंशन। आपको ये बताना है ये जो अखाड़ेबाजी वाला शब्द था, वैसे अखाड़ेबाजी जहाँ होती है, अखाड़े वाला जो शब्द था इसका यहाँ मिसिंग सिनोनिम और एंटोनिम क्या था, जो हमने आपको बताया था विजुअल वोकैबुलरी के पिछले सेशन में। इनको आप सही सही बताकर बन सकते हैं हमारे अगले वीडियो के वोकैब चैंपियन। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, साथ ही में जो हमारे FB का पेज है उसको भी लाइक कर दिया है, और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, गूगल प्ले पर तो हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है वो तो है ही, लेकिन साथ ही में जो विंडोज का स्टोर है वहाँ भी है। तो इसीलिए जो हमारा ये महिंद्रा गुरु का ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करिए, ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिले और अच्छा कंटेंट मिले, क्वालिटी का कंटेंट मिले, जिससे कि आप सफल हो, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।